नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी थमा दी। वानखेड़े में जहां शुरुआती मैचों में छक्कों की बारिश हुई थी, लेकिन इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर नकेल कस दी और टीम पूरी पारी में एक भी छक्का नहीं लगा पाई और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर केवल 147 रन ही बना पाई थी। इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 51 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने शुरुआती झटकों के बाद ना सिर्फ टीम को संभाला था बल्कि छोटे छोटे पार्टनरशिप कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचा रहे थे। हालांकि अर्धशतक जड़ने के ठीक बाद रियान पराग के ओवर में एक सिंगल चुराने की कोशिश में ऋषभ पंत चूक गए और रियान पराग ने एक डायरेक्ट थ्रो पर पंत का विकेट निकाल दिया। ऋषभ पंत 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर रन आउट हो गया। लेकिन सबसे मजेदार वाकया तो इसके बाद हुआ। जी हाँ, इसके बाद रियान पराग ने अपने फेमस बीहू डांस के कुछ स्टेप्स मैदान के बीच में किए। जी हाँ, रियान पराग अमूमन इस तरीके के बीहू डांस करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर वो पंत का विकेट निकालकर काफी खुश हुए और मैदान में ही बीहू डांस करने लगे। आपको बता दें, बीहू डांस नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही पसंदीदा और फेमस डांस है। इसके अलावा खासतौर पर आसाम में इस नृत्य को किया जाता है और रियान पराग भी आसाम से ही आते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।